नमस्कार, काशीष न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा सरोज सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं, जहां पटना में सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे तेजस्वी यादव। मुख्य सचिवालय स्थित चैंबर में उनकी मुलाकात हुई है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट इस वक्त का आपके सामने, जहां सीएम से मिलने पहुंचे हैं तेजस्वी यादव। मुख्य सचिवालय स्थित चैंबर में ये मुलाकात हो रही है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने इस वक्त का, जहां सीएम नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव मुलाकात करने पहुंचे हैं और सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाएं। मुख्य सचिवालय स्थित चैंबर में ये मुलाकात हो रही है और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी राजीव जुड़ गए हैं। देखिए राजीव, सीएम नीतीश कुमार से मिलने तेजस्वी यादव पहुंचे हैं, सबकी निगाहें टिकी हुई है, अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं, क्या वजह मानी जा रही है इस मुलाकात की? वो बता दिया जाए, हुई है क्या? तो मुख्य सचिवालय स्थित चैंबर में यह मुलाकात हुई है। पटना से जानकारी, सीएम से मिलने पहुंचे हैं तेजस्वी यादव। यह बड़ा अपडेट आपके सामने इस वक्त का और कई कयास, कई उम्मीद इस मुलाकात को लेकर जताई जा रही है। तो सीएम नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव मुलाकात करने पहुंचे हैं। तो मुख्य सचिवालय स्थित चैंबर में तेजस्वी यादव सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंचे हैं। पटना से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएम नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव मिलने पहुंचे हैं और इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या खास वजह है ये अभी साफ नहीं हो पाई है। मुख्य सचिवालय के चैंबर में मुलाकात हुई है। सीएम नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव मुलाकात करने पहुंचे हैं और सभी की निगाहें इस ओर टिकी हुई हैं कि इस मुलाकात की खास वजह आखिर क्या है। पटना से ये बड़ी जानकारी आपके सामने। मुख्य सचिवालय से चैंबर में दोनों की मुलाकात हो रही है। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने, जहां सीएम नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव मुलाकात करने पहुंचे हैं और इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इस मुलाकात को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। मुख्य सचिवालय स्थित चैंबर में ये मुलाकात हो रही है। सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे हैं तेजस्वी यादव। पटना से ये बड़ी जानकारी। मुख्य सचिवालय से चैंबर में ये मुलाकात हो रही है और इस मुलाकात के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। तो लगातार एक के बाद एक का बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप के बीच ये बड़ी जानकारी पटना से आपके सामने, जहां अब सीएम नीतीश कुमार से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मिलने पहुंचे हैं और इस मुलाकात को लेकर चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। मुख्य सचिवालय स्थित चैंबर में ये मुलाकात हो रही है। कई मायने इस मुलाकात के निकाले जा रहे हैं, कई कयास लगाए जा रहे हैं इस मुलाकात को लेकर। पटना से ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सीएम नीतीश कुमार से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुलाकात करने पहुंचे हैं, मिलने पहुंचे हैं। मुख्य सचिवालय स्थित चैंबर में दोनों की मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है। हालांकि इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं कि इस मुलाकात की वजह क्या है और अपने अपने कयास लगाए जा रहे हैं इस मुलाकात को लेकर। सीएम नीतीश कुमार से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मिलने पहुंचे हैं। मुख्य सचिवालय स्थित चैंबर में ये मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है।
पटना से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि इस मुलाकात की वजह क्या है, इस पर जनता की निगाहें टिकी हुई हैं। इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए ब्यूरो चीफ नीलकमल जी हमारे साथ जुड़ गए। देखिए नीलकमल जी, सीएम नीतीश कुमार से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुलाकात करने पहुंचे हैं, क्या कुछ वजह इसके पीछे मानी जा रही है? देखिए शिखा, वजह अब जब मुलाकात खत्म हो जाएगी और बाहर निकलेंगे तेजस्वी यादव, तो उनसे भी बात की जाएगी कि आखिर क्या वजह रही कि वो सीएम से अचानक मिलने पहुंच गए। वो भी उनके चैम्बर में, सचिवालय स्थित चैम्बर में उनकी मुलाकात हुई है। लेकिन यह बात है कि अभी एक शिक्षक दिवस का कार्यक्रम है, दूसरा तेजस्वी यादव जो है वो 10 तारीख से बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं। ऐसे में सिक्योरिटी को लेकर के क्या अरेंजमेंट है, यह भी हो सकता है कि उनको चिंता सता रहा हो। तो बाकी जो चूंकि नेता प्रतिपक्ष भी है वो, तो इस लिहाज से भी सीएम की और नेता प्रतिपक्ष की मुलाकात को बहुत ज्यादा ऐसा नहीं देखा चाहिए कि कुछ राजनीतिक मायने ही निकाले जाए। लेकिन दोनों की मुलाकात सचिवालय में हो रही है, तो यह एक खबर तो है, लेकिन अब किस कारण से यह मुलाकात हो रही है यह भी समझना होगा। और ये कारण जब पता चलेगा कि तभी इसके ऊपर कुछ ज्यादा टिप्पणी की जा सकती है। हो सकता है कि सिक्योरिटी के मामले को लेकर के वो मिलने गए हो या उनके सिक्योरिटी। बिल्कुल बिल्कुल नीलकमल जी, लेकिन जातिगत जनगणना भी इसकी मुख्य वजह हो सकती है, ऐसी संभावना भी जताई जा रही है। चूंकि जिस तरीके से लालू यादव ने बीजेपी आरएसएस को खुली चुनौती देकर ट्वीट कर कहा है कि कान पकड़ कर जातीय जनगणना कराएंगे। बिल्कुल, देखिए जातीय गणना की बात है जहां तक, तो वो नीतीश कुमार ने यहां पर सवाल किया, बिहार से ही इसकी शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय स्तर पर यह मांग की जा रही है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी होना चाहिए। तो नीतीश कुमार बार बार जब ये विपक्ष के द्वारा कहा जाता है जातीय गणना की बात, तो एनडीए की तरफ से ये कहा जाता है कि बिहार में तो हमने जातीय गणना करवा दिया, अगर यहाँ पर जो इंडी गठबंधन के जो अलायंस की सरकार है वहां पर क्यों नहीं जातीय गणना करवाते हैं लोग जो राष्ट्रीय स्तर पर मांग कर रहे हैं। तो इस बात पर तो संभवतः जो मुलाकात अगर होगी तो नीतीश कुमार से यही जवाब नेता प्रतिपक्ष को दिया जाएगा कि बिहार में तो जातीय गणना हो गई, जहां जहां कांग्रेस की या फिर इंडिया अलायंस में जो सरकार है वो लोग जातीय गणना क्यों नहीं करवा रहे अपने राज्य में। तो ये मांग तो लगता है, लेकिन अब ये भी मामला हो सकता है, और जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव ने आज जो टिप्पणी की है कि आरएसएस और बीजेपी को लेकर के कि कान पकड़ के उठक बैठक करा करके हम जातीय गणना हम करवाएंगे, तो इसका जवाब भी मिला है बीजेपी की ओर से कि बिहार की जनता ने कई बार उठक बैठक कराया है लालू प्रसाद यादव को, और कोर्ट ने उन्हें कान पकड़ के जेल में भेजने का काम किया है चारा घोटाला मामले में। तो इस तरह के जो बयानबाजी है वो दोनों ओर से जारी है, लेकिन अब यह देखना है कि तेजस्वी यादव किस हालात में, किस कारण से वो मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे हैं। तेजस्वी यादव मुलाकात करके निकलेंगे तो उनसे निश्चित तौर पर जो वहां पर बाहर में मीडिया कर्मी खड़े हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या वजह रही कि अचानक से सीएम से मिलने पहुंच गए नेता प्रतिपक्ष। बिल्कुल नीलकमल जी, और जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने निशाना साधा है और ये बयानबाजी की है कि कान पकड़कर जातीय जनगणना कराएंगे, और इसके बाद पलटवार भी किया गया है बीजेपी की तरफ से, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर तो देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी सभी की निगाहें इस मुलाकात पर टिकी हुई है कि आखिर क्या वो मुख्य वजह मानी जाए जिसको लेकर। हाँ नहीं, आप लोग जाहिर है किसका जो है होना है, वो बता दिया जाएगा, वो तो ऑफिशियली जो है वो मुलाकात कि भाई शेड्यूल लाइन वाला जो है उस पर हमने चर्चा की। हाँ नहीं, हम लोग बात किए हैं शेड्यूल लाइन पे। अब मुख्यमंत्री जी तो कह रहे कोर्ट में है मामला, तो हम भी बोले कि भाई हम भी कोर्ट पहुंच गए हैं, आप रखिए हम भी रखते हैं अच्छे से। किसी आम कार्यकर्ता को बना के दिखाए अध्यक्ष, तब पता चलेगा। परिवारवाद की आरक्षण की बात करते हैं ना, परिवार भी सुनते हैं। लालू जी से इतना डरते क्यों हैं ये लोग, सवाल तो ये खड़ा हो रहा ना। लालू जी राष्ट्र अध्यक्ष हैं, तो इनको उनसे इतनी आपत्ति और डर क्यों है? चलिए चलिए।
वो बोलना चाहेंगे तभी हम लोग को। तो पटना से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सीएम नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव ने मुलाकात की है। मुख्य सचिवालय स्थित चैंबर में ये मुलाकात हुई है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर ट्वीट कर हमला बोला कि कान पकड़कर जातीय जनगणना करवाएंगे, उसके बाद बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया गया है। और अब इस बीच ये जो मुलाकात है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है कि क्या खास और मुख्य वजह है इस मुलाकात की। सीएम नीतीश कुमार से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुलाकात करने पहुंचे, पटना से ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, मुख्य सचिवालय स्थित चैंबर में ये मुलाकात हुई है। तो ये बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी आपके सामने, जहां सीएम नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव मुलाकात करने पहुंचे। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी राजीव जुड़ गए हैं। देखिए राजीव, सीएम नीतीश कुमार से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुलाकात करने पहुंचे हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस मुलाकात को लेकर? जी देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है कशिश न्यूज के दर्शकों के लिए, और कशिश न्यूज पर सबसे पहले हम लोगों ने दिखाया है और ब्रेक भी किया है जी। हम इस समय उसी स्थल पे हैं जहां पे अभी सीएम से मिलने आए थे तेजस्वी यादव। आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये सेक्रेटेरिएट है, पुराना सचिवालय। अभी जस्ट सीएम भी निकले हैं, तेजस्वी यादव भी निकले हैं, और अंदर खाने क्या बात हुई है अभी वो निकल करके नहीं आया है, लेकिन इस तरह से अकस्मात पहुंचना और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और साथ में विजय चौधरी को कहा जाता है कि वो सुपर सीएम है, यानी कि सीएम तो नीतीश कुमार है लेकिन बहुत सारे निर्णय विजय चौधरी लेते हैं। तो उस स्थिति में अभी कुछ भी कहना मुश्किल, लेकिन मुलाकात कुछ खास है। हालांकि तेजस्वी यादव ने एक बात कही, तेजस्वी यादव ने यह बात कही कि हम लोग सूचना आयोग में दो सदस्यों का जो मनोनयन होना है उसको लेकर के बात करने आए हैं, लेकिन ये बात कहीं से हजम नहीं होती है। अगर सदस्य मनोनीत करवाना था या फिर कोई सरकारी काम था तो वो किसी के थ्रू भी हो सकता था, और इस तरह से अकस्मात आना, बिना किसी सूचना के आना, ये पता रहना कि सीएम अपने चैम्बर में बैठे हुए हैं और वो अकस्मात तेजस्वी यादव पहुंच जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में सवाल तो है और सवाल एक तरह से खड़ा होता है। बिल्कुल राजीव जी, और उन्होंने तेजस्वी यादव ने खुद अपने बयान में ये बात कही कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर यह मुलाकात हुई है। जी हाँ, देखिए दो तीन मुद्दे बताया उन्होंने, लेकिन ये कितनी सच्चाई है ये तो वो लोग बता सकते हैं अंदर खाने, लेकिन अभी अंदर खाने से वो बात नहीं आई है। लेकिन इस तरह से मिलना ठीक है, जातीय गणना को लेकर के आपने अभी रविवार को ही तेजस्वी यादव ने क्या क्या नहीं बोला नीतीश कुमार को, अब उस आधार पे आरक्षण पर यहाँ मिलने आते हैं और विजय चौधरी मौजूद रहते हैं, तो ये तो सवाल के घेरे में है ही जी। और ये सवाल के घेरे में कहीं ना कहीं से राजनीतिक गलियारे में ये एक तरह से सवाल खड़ा हो गया है कि क्या फिर से कुछ ऐसा होने वाला है जो शायद किसी ने अपेक्षा ना की हो। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है, लेकिन इनका आना, तेजस्वी यादव का आना, तेजस्वी यादव मिल सकते थे, बहुत जगह मिलने का जगह है, लेकिन यहाँ स्पेशली आना, अकस्मात आना, ये सवाल के घेरे में है। बिल्कुल राजीव, और जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने भी बीजेपी को घेरे में लेकर कहा कि कान पकड़कर जातीय जनगणना कराएंगे, इसके बाद भी कई मायने निकाले जा रहे हैं इस मुलाकात के। जी हाँ, आपने देखा कि लालू यादव ने भाजपा और आरएसएस पे हमला किया है अपने ट्वीट के माध्यम से जी। उन्होंने नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया है या जदयू पर कोई हमला नहीं किया है, तो ये सवाल तो है ही ना। और देखिए कि अब फिर से चहल पहल बढ़ रही है, लगता है किसी के आने की, हालांकि सीएम तो चले गए, अब तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये बैठक अहम है, कुछ ऐसा है जिसके चलते
तेजस्वी यादव आए हैं, मिलने को आए हैं, लगभग आधे घंटे तक ये मुलाकात हुई है। बिल्कुल, और केंद्र से नवीं अनुसूची में डालने की भी मांग की गई है। जी देखिए, नौवीं अनुसूची को लेकर के तेजस्वी यादव लगातार हमलावर हैं, और अभी रविवार को ही उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार मैंने केंद्र सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार का नरेटिव पकड़े हुए हैं, जब चाहेंगे वो नौवीं अनुसूची में शामिल करवा लेंगे। वो हमला हुआ था तो मान लीजिए कि ये बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव ने बोला कि नौवीं अनुसूची को लेकर के हम यहाँ मिलने आए हैं, तो फिर ये इनके हाथ में अगर है, नीतीश जी के हाथ में है, तो वो अपने बल पे करेंगे और अपने लिए करेंगे, इनके कहने पे तो करेंगे नहीं, कि केंद्र सरकार को कहेंगे नहीं कि नौवीं अनुसूची में डलवाया जाए, ये तो अपने बल पर कर सकते हैं नीतीश कुमार। और तेजस्वी को यहाँ आने का क्या मतलब है, उस नौवीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए बात करने के लिए आए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। और ये सूचना आयोग के दो सदस्यों के मनोनयन की बात कर रहे थे तेजस्वी यादव, तो वो भी कुछ पछता नजर नहीं आ रहा है, जिस तरह से मुलाकात हुई है और आनंद फानंद में मुलाकात हुई है, और तुरंत ये लोगों ने, इन लोगों ने सोचा भी नहीं था कि मीडिया यहाँ पहुंच पाएगा, लेकिन हम लोग पहुंच गए और इस चीज को देखे कि किस तरह से तेजस्वी यादव अंदर गए, आधे घंटे के आसपास मुलाकात हुई, बाहर निकले तो आरक्षण का मुद्दा बात कर रहे हैं, सूचना आयोग में सदस्य बनाने की बात कर रहे हैं, इधर उधर की बात कर रहे हैं, तो क्या ये इतना इम्पोर्टेंट था? इस लिहाज से इम्पोर्टेंट था कि दो कद्दावर नेता जो कि कभी पहले साथ थे, अब अलग अलग हैं और पक्ष विपक्ष हैं, वो मिलने इस तरह से आ जाएंगे इन्हीं मुद्दों को लेकर के? इतना गंभीर मुद्दा तो नहीं था जिन तरह से तेजस्वी यादव ने ये बात कही है, लेकिन कुछ न कुछ तो पक रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।